सर क्या कहिएगा अब की बार सिवान में क्या कुछ होने वाला, क्या लग रहा है कि सिवान में क्या होगा? सिवान में इस बार हिना साहब जीतेंगे जी, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, एनडीए भी अपना प्रत्याशी उतारा है, महागठबंधन साउथ बिहारी चौधरी भी आज पहुंचे हुए थे पटना से टिकट लेकर, मतलब हिना साहब के आखिर क्यों आप लोग मतलब मदद करना चाहते हैं? हिना साहब साफ सुथरा प्रत्याशी है जी। क्या कहिएगा सिवान में अब की बार क्या होने वाला है? आप लोग भी सिवान लोकसभा से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ होने वाला है सिवान? हम लोग इस बार नोटा को देंगे, क्योंकि हाँ एनडीए का प्रत्याशी सही नहीं है जी। आखिर नोटा क्यों, हिना साहब आ रही है और बिहारी चौधरी महागठबंधन से आ रहे हैं, सब एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं। लोकसभा चुनाव का जैसे तिथि नदी का रहा है, लगातार नेताओं की सरगर्मी हुई लगातार बढ़ती जा रही है। उसी क्रम में पहुंचे हैं सिवान के, सिवान लोकसभा में पहुंचे हुए जहां पे दरौंदा विधानसभा का नवल पुमोड़ है जहां मौजूद है, एक दुकान है, दुकान पे तमाम जो है आसपास के लोग कुछ मौजूद है। जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार सिवान लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है, लड़ाई होगी कितना मुश्किल होगा, विकास हुआ है कि नहीं, किस मुद्दे को लेकर अब की बार केंद्र में सरकार बन रही है, क्या कुछ होगा, तमाम मुद्दे को लेकर मेरे साथ कुछ लोग बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहिएगा, सिवान लोकसभा से आप लोग बिलोंग करते हैं, क्या कुछ होने वाला है सिवान लोकसभा में, क्या होगा आपकी बात? अब की बार सिवान लोकसभा में जी हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि जो भी व्यक्ति आएगा जी, हम लोग का मांग है कि दरौंदा जो है मंदनगिरी रेलवे स्टेशन ढाला, चार चार घंटा तक हम लोग को इंतजार करना पड़ रहा है, जो उसका मुद्दा उठाएगा बनवाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे, एकदम यही कंफर्म है। हाँ यही कंफर्म। अच्छा, एनडीए भी अपना प्रत्याशी उतार दी, महागठबंधन प्रत्याशी उतार दी, निर्दलीय से हिना साहब मैदान में है, कितना लड़ाई रहेगा इन लोगों में, पूरा टक्कर का लड़ाई रहेगा या किसके लड़ाई क्या लड़ाई रहेगा? लड़ाई और हिना साहब में रहेगा जी, हिना साहब निर्दलीय है उनसे, और मंदन की जो राजद है दोनों पक्ष में लड़ाई रहेगा। अच्छा, जो विकास करेगा उसी को आप लोग वोट दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो विकास करेगा हम लोग का यही अति है कि जो भी वहाँ का अथी करेगा, ढाला का समस्या को दूर करेगा जी, ओवर ब्रिज बनवाएगा, उसी के साथ हम लोग मंदन अपना वोट संपन्न करेंगे। सर क्या कुछ होगा सिवान लोकसभा में, महागठबंधन ने प्रत्याशी उतार दिया, एनडीए भी प्रत्याशी उतार दिया, क्या कुछ होने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग तो मान लीजिए कि पार्टी के साथ हैं जी, और हमारे गठबंधन से हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जी, वो आए हुए हैं टिकट लेकर, और हम लोग उसके साथ हैं, और हम लोग जो मोदी जी का जो ये 400 पार है, ये हम लोग 400 पार होके ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, और कहीं यहाँ लड़ाई नहीं है। अच्छा, तो मुद्दा कहने का मतलब कि मुद्दा तो हमको कहीं कोई अब दिखाई नहीं देता है, मुद्दा कहीं है या नहीं है, मुद्दा तो हमको दिखाई नहीं देता, 400 पार हो जाएगा, एकदम फाइनल हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चाचा जी क्या, इसलिए हम लोग नोटा को देंगे इस बार। अच्छा, कौन सा थाली? एक ही थाली की चट्टू बट्टू, थाली वही तो पूछा था, राजनीति में थाली क्या चीज है? वही थाली जो होता है जी, थाली में हम लोग भोजन करते हैं। नहीं नहीं, राजनीति की थाली के चट्टू बट्टू, तो वही हम क्लियर पूछे, थाली में क्या क्या पक रहा था? मतलब विकास नहीं कर सकते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, क्या मतलब ये लोग कुछ करते नहीं है, जीतते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, इसलिए बढ़िया है कि हम लोग नोटा को देंगे। मतलब किसी पार्टी को वोट देना ही नहीं? नहीं नहीं देना है, मैंने वोट दीजिएगा बट नोटा को, नोटा को देंगे, नोटा को देंगे। अब उन्हीं के साथ हम लोग हैं, बाकी लोग तो क्या बोलते हैं, बाकी लोग सब इधर इधर उधर के हैं, वो सब सही नहीं है। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट दे रहे हैं, क्या रहेगा? क्या बस हिना साहब को जिताना है बस, और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ होगा सिवान में बताइए, क्या होगा बताइए सिवान में, क्या कुछ होगा आपकी बार? अरे हमारे भाई लोग जो जहाँ पर रहेगा हम भी वहीं पर रहेंगे। मतलब क्या किस मुद्दे को लेकर वोट कीजिएगा, हिना साहब मैदान में है और बिहारी चौधरी है, एनडीए की तरफ से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी जी है, किनको वोट दीजिएगा, क्या लग रहा है? बोल नहीं रहे हैं, हमारे भाई लोग जहाँ भी रहेगा उसी के साथ हम गांव के लोग जहाँ वोट करेंगे वहाँ। हाँ, वही करेंगे। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, चाचा जी हैं। चाचा क्या लग रहा है कि सिवान में क्या होगा अब की बार? सुना था नहीं कि मान ले के कोई भाजपा से मिल रहा बात, वगैरह कैसे वोट दिया है? अच्छा, तो माले से तो मानिए एनडीए बोल रहे हैं, फिर और बिहारी चौधरी भी तो माले से हैं, एक हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी है, तो क्या हिना के हम वोट ना दे तो फिर किसको दीजिएगा? तब ये भाजपा के, भाजपा को दीजिएगा, माने माले से मिलने के बाद भी लोग हाँ उसी को दें, नेता से कोई मतलब नहीं है जी, भाजपा को वोट देंगे, वो विकास करेगा अभी और करेगा। देखिए तमाम लोगों से बातचीत किया गया, अभी हम मौजूद थे सीमान लोकसभा के दरौंदा विधानसभा के नवलपुर मोड़ पे मौजूद थे, जहाँ पे एक छोटा सा चौक है उसी पे मौजूद थे, जहाँ पे खाद दुकान है, जहाँ पे तमाम आसपास किसान प्रवृत्ति के लोग जो थे आए हुए थे बैठे हुए थे, तो उनसे बात करने का प्रयास किया गया, इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कुछ लोग एनडीए के पक्ष में है, तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के पक्ष में है, तो कुछ लोग महागठबंधन के पक्ष में है।